नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में। आज दिनांक 25 मार्च 2023 और हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं विद डिटेल्स, ताकि आपको उस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के सवाल कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य से लेकर भारतीय सेना और NTPC के बीच साझेदारी तक। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? इसका उत्तर ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य के इम्फाल शहर में। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न दो, DIC इंडिया ने प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया है? इसका उत्तर ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। आप इस प्लांट के बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न तीन, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, 25 आधार अंकों की। प्रश्न चार, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सोलर पार्कों को मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर ऑप्शन ए, 8 सोलर पार्कों को। आप इस पार्कों के बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पाँच, किसने वाराणसी में 1700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप इनका तस्वीर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। प्रश्न छः, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका उत्तर ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य। आप इस विधेयक के बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न सात, कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रश्न आठ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फसलों के नुकसान से प्रभावित किसानों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? इसका उत्तर ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने। प्रश्न नौ, किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 जीता है? इसका उत्तर ऑप्शन सी, नेपाल देश के क्रिकेटर ने। आप इनका तस्वीर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, 10वें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दे, एक छोटा सा कमेंट कर दे और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड पावर प्लांट परियोजना की स्थापना के लिए भारतीय सेना और किसने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर ऑप्शन ए, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं और आप उनसे इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एंड बाय बाय।